मोदी तो हुकुम का इक्का है, शान है गुजरात की, गुजरात की शान है मोदी, शान है मोदी के बाद योगी ही है। सीएम से प्रधानमंत्री उनको ही बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तो मोदी के बाद देखो सबकी यही देन, योगी को आना चाहिए। हाँ प्रधानमंत्री में तो कौन योगी बन जाए, योगी बन जाए जी प्रधानमंत्री। मैं तो राहुल गांधी को चाहता हूँ। राहुल गांधी की अगर उनकी सरकार आ गई तो नॉर्मल इंसान खर्चा उठाते उठाते मर जाएगा, शादी भी नहीं करने का। वो तो महंगाई तो भी है, महंगाई अभी इतनी है इंसान अपना खर्चा उठा ले रहा है। मैं योगी को चाहता हूँ, योगी मोदी को, मुझे पूरी फैसिलिटी दी है, सोने से लेके हर चीज तक। बाबा की नगरी में बाबा ही आना चाहिए, बिल्डोजर बाबा। फिर भी अखिलेश यादव योगी को हटाना चाहते हैं? नहीं, बाबा ही आना चाहिए, बाबा आए तो खुश है, नहीं तो और कोई आए तो तहस नहस हो जाएगी दुनिया। क्या हो जाएगा? फिर बदमाशी स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले भी तो यूपी था ना? नहीं, बहुत कम हो गई। बदमाश अपने अपने बदमाश बनते थे ना, वो भी कम हो गए हैं अब। क्यों? क्योंकि डर है बाबा का, बिल्डोजर चढ़ सकता है। एक तो वो बाबा हैं जिसकी शक्ति से आप यहाँ तक पहुँचे। हाँ, और एक वो बाबा हैं जो बिल्डोजर चलाता है, वो बिल्डोजर समिति गायब कर देता सबों को, चाहे कितना बड़ा खलीफा क्यों ना हो। बोल शंकर भगवान की जय। बाबा से बढ़ के कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ योगी आएगा तो फिर खुशियाँ आएंगी। योगी के राज में देखो मेट्रो अच्छी कितनी हो गई, देखो कितनी अच्छी मेट्रो हो गई। मुजफ्फरनगर में 7 बजे के बाद हम डरते थे अंदर आने में, आज हम पूरी रात भी निकल के आ जाना, हमें कोई छेड़ नहीं सकता है। मुजफ्फरनगर प्लस उसके बाद आ जाता मेरठ, मेरठ जली बेगम पुल से लेके जलीकोटी तक निकलना महारी था हमारा। पिछली बार सूलीवाला बाग पड़ता है मुजफ्फरनगर में, वहाँ पत्थरबाजी हुई थी, इस बार देख लो वहाँ हर चीज हुई है, पूरी फैसिलिटी मिली है पानी से लेके दवाई तक। तो जो लोग योगी को हटाना चाहते हैं उनका क्या होना चाहिए फिर? नाश, उनका नाश, सत्यानाश, हर हर महादेव। अब पीएम की कुर्सी पे हमें भी योगी चाहिए, मोदी के बाद हमें योगी चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, लोगों को अभी कावड़ लाने की क्या जरूरत है? देखो ये किसी को नहीं पता होता कि मेरे को जाना है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, जिसको बाबा ने बुलाया उसको पढ़ाई क्या, वो कुछ भी कर रहा हो बाबा उसको खींच लेंगे। आप क्या करते हैं? बोले मैं टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं? हाँ जी। तो आप टैक्सी छोड़ के गए हैं? नहीं, मैं टैक्सी अपनी खड़ी करके, बोले ने बुलाया है, हम बोले ने मेरे को इतना दिया है कि 20 दिन पहले नाइटें लगवा दी, तो मैं 10 दिन यहाँ पे ख़राब करने हैं जी, वो मैंने अपने घर पे पूर्ति करके तब मेरे को बोले ने बुलाया है। तो आप टैक्सी से हर दिन कितना कमाते हैं? टैक्सी से हर 1500-2000 रुपया डेली कमाते हैं। बोले बाबा लेकिन अभी आपको कितना दिन हो गया एक कावड़ में पैदल चलते हुए? बोले बाबा कई दिन से, अभी तो मेरे को 23 तारीख को उठाई थी कावड़ मैंने, 31 तारीख हो गया, आज 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गए। तो अगर हम 2000 रुपये भी आपको डेली का कमाई मानते हैं तो 8×2=16,000 रुपये का आपका नुकसान उधर हुआ है। मेरा 16 लाख का फायदा हुआ है, आपका 16, आपका नुकसान हुआ है, मेरा नुकसान नहीं, नहीं, नहीं। आपके हिसाब से मेरे को 16 लाख का फायदा हुआ है। कैसे? जो मेरे कर्म धुले हैं, मेरे को बाबा ने बुलाया, बाबा हर किसी को नहीं बुलाता, आपको क्यों नहीं बुलाया बाबा ने? बाबा उसको ही बुलाता है इसका बुलावा होता है, वो शंकर भगवान की जय, उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। तो आपको कोई परवाह नहीं है अगर मेरी टैक्सी नहीं चली है या मैं पैसा नहीं कमा पाया हूँ? तो बोले मेरी बात सुनो, सारे साल कमाना है, सारी जिंदगी कमाना है, सारी जिंदगी कमाना है। मैं भी ऑटो ड्राइवर हूँ, मेरा नाम रवि है जी। मैं ऑटो लेके आ रहा हूँ, 8 दिन से वहीं से आ रहे हैं हम, 32 घंटे जाम के अंदर फंसने के बाद, 1 किलोमीटर 32 किलोमीटर जाम के अंदर फंसे हैं, 32 घंटे में बाहर निकल के आए हम जी। मगर हमें उस चीज़ की परवाह नहीं कि हम कमाए कि नहीं कमाए, वो हमें देने वाला वो बैठा हुआ है। बोल शंकर भगवान की। क्या मिलता है मतलब ये इन सब करके? मन को अपनी इतनी शांति मिल जाती है कि हम पूरे साल मतलब बिल्कुल खुशी खुशी निकालते हैं, इतनी शांति मिल जाती है 8 दिनों के अंदर। आप दूध लेने जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, आप वहाँ से पैदल क्यों आ रहे हो? कांवड़िया उत्पाती हैं, उधम मचाते हैं, नशा करते हैं। ऐसा देखो ये भोले बाबा का तो कहना है कि आप गाने के अंदर भी सुनते हो जी। उनका कोई नशा नहीं है, ये जुनून है। आज देखो मेरी बात सुनो, नशा ये कहने की बात है कि ये नशा हो रहा है जी। ये कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है ये दूसरा बंदा क्यों नहीं आता? वो भी तो नशा कर बैठ के दारू पीता है, शराब पीता है, हर चीज करता है, उसको नशे की आदत है, तो भोले बाबा के दर पे क्यों नहीं जाता है वो जी।
बस बोलना आता है मुँह से कि ये नशे करने जा रहे हैं, उनको एक बार को कि 10 किलोमीटर चल के दिखा दो, 250 किलोमीटर चल के आए हैं, भोले बाबा ने चलवाया है और इस बार भोले बाबा ने प्रसाद तक नहीं करी, ये हमारी परीक्षा है और इसका रिजल्ट कहते हैं ना फर्स्ट का बच्चा जाता है, जब फाइनल पेपर होते हैं ये हमारे फाइनल पेपर अब नजर आएंगे तुम्हारे को जब रिजल्ट दिखाएंगे। वो शंकर भगवान की जय, तपस्या ज्यादा हो गई है जी, तपस्या तो हो ही है। आप मेरी बात, आप कहते हो नशा है, आप भी रोटी खाते हो, वो भी तो एक नशा है, रोटी खाते हैं वो भी नशा है हमारे लिए। जो लोग ये कहते हैं कि जिन बच्चों के हाथ में कॉपी किताब होना चाहिए इस उम्र में उनको काबड़ थमा दी गई है, उन्हें क्या कहेंगे? मेरी बात बताइए, ऊपर वाला ये थोड़ी कहता है कि हमें काबड़ हमने पकड़ा दी है, एक उसकी श्रद्धा थी, उसको बाबा ने बुलाया था, मेरा बच्चा भी 12वीं क्लियर करा हुआ है, वो भी काबड़ लेके जा चुका है, वो बॉर्डर पर हैगा, वो उसका कॉलेज में मुझे नाम लिखवाना है, उसकी श्रद्धा थी, मैंने कि जा बेटा, वो भी वहाँ से पहले सोमवार को जल उठा के वो दिल्ली पहुँच चुका है, तो मुझे कोई जब मुझे बाबा ने उसे पहुँचा दिया तो हमें उससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं है। जिसने रास्ता नहीं देखा, कभी बाहर नहीं निकला, आज वो वहाँ से पैदल आके दिल्ली चला जा चुका है। सरकार की, योगी सरकार की सुविधाएं व्यवस्थाएं कैसी है? बेस्ट, 100 में से 101% देते हैं हम, योगी सरकार। यस, ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? उन्होंने ऐसा रास्ता दिया है कि हमारे रास्ते में कोई भी नहीं आया, हाँ हमारे रास्ते में कोई नहीं आया, उन्होंने एक रास्ता हमें क्लियर दे दिया है। कैसा रास्ता दिया उन्होंने? रास्ता हमें एक लाइन पूरी दे दी गई है, उस पर कावड़िया के अलावा कोई नहीं चलेगा, साफ सफाई व्यवस्था क्लियर। और लुढ़की से पहले कुछ भी नहीं था, लुढ़की से पहले कुछ भी नहीं था, ऐसा घुसने के बाद हमें चीज मेरे को जैसे यूपी में, हाँ उत्तराखंड के अंदर हमें कोई सुविधा नहीं है और यूपी में घुसने के बाद हमें जो फैसिलिटी मिली है सब दिखाई देता है, हर चीज की। आज मैं इतना बड़ा रिसोर्ट था, मैं रात को जो लुखा था उसने अपना अरबों रुपए का रिसोर्ट खोल दिया, एसी तक चला दी है कावड़ियों के लिए। ऐसी ऐसी चीजें बताइए। योगी कह रहे हैं कि एक समय वो था कि जब कांवड़ यात्रा को जगह जगह रोका जाता था, पत्थरबाजी की जाती थी, रोका जाता था, पत्थर मारे जाते थे, सब कुछ करा जाता था, हमें टॉर्चर भी करा जाता था, बीच में हमारे लेडी से निकल जाती थी, आज कोई निकल के दिखा दे, कोई खंडित करने की हिम्मत नहीं है अब, किसी की हिम्मत नहीं है, पता है कि बुलडोजर तैयार खड़ा है जी, अब किसी की हिम्मत नहीं है। आज वो देखा आपने जब हेलीकॉप्टर से योगी ने वर्षा कराई थी, हम यहाँ हिंडन पहुँच गए थे, छोटे हरिद्वार पहुँच चुके थे हम, उससे पहले कराई थी, उससे पहले की बात होगी। हमारे इसके बावजूद भी कुछ लोग योगी को हटाना चाहते हैं, वो तो देखो राजनीति उनका काम है, ये राजनीति है, वो तो आज ये है कल हो रहे परसों हो रहे, वो जेन्युइन बंदे हैं, दिक्कत मत लो, टेंशन नहीं। हाँ कैसे? बस आप लोग सेवा कर रखी है, डीजी भी चल रहा है उनका, डीजे चल रहा है, योगी जी बहुत बढ़िया बंदे, भगवान की मुझसे पूछ लीजिए। मैं कहता हूँ उत्तराखंड में हमें जो सुविधा नहीं मिली है, मैं कहता हूँ 1 किलोमीटर मुझे चलने के अंदर मुझे 32 घंटे लगे बाहर गाड़ी बाहर निकालने में उत्तराखंड में, और यहाँ यूपी में जैसे घुसा हूँ मुझे कोई टेंशन नहीं हुई है, जहाँ मर्जी गाड़ी खड़ी कर दो, कोई किसी की हिम्मत नहीं, गाड़ी भी छेड़ दे। तो समय आ गया है कि अब योगी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए, वो तो राजनीति बताएगी जी, इस बारे को हम नहीं कह सकते। वैसे मेरी दिल्ली में चले जाओ, नहीं दिल्ली में चले जाओ, गोविंदपुरा में कौन सी पुरी थी वो, गोकुलपुरी मेट्रो गिरी थी, कितना इंसान मरा किसी ने देखा नहीं? यहाँ देख लो कितनी अच्छी मेट्रो है, पूरा रोड देख लो बिल्कुल साफ मिलेगा, चमाचम यहाँ देख लो, सोने की व्यवस्था देख लो, अगर यहाँ पे भी कोई सो जाएगा तो लाइटें जलती है, मच्छर का नहीं काट सकता है, अगर जो बता रहे राहुल गांधी की आ गई तो लाइटें भी चोरी हो जाएंगी, और अखिलेश यादव आ गए तो वो तो आना ही नहीं चाहिए, अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बदमाशी और होगी, फिर मोमडन लोग राज करेंगे हम पे, लोगों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना, मौका मिल सबको मिल रहा है, सब कमा रहे हैं, सब खा रहे हैं, ये थोड़ी ना किसी का लेके छीन के खा रहे हैं, सबको सब दे रहे हैं। नहीं एक बात बता दो, ऐसा हर कोई है, हर कोई कमा रहा है और खा रहा है, हर कोई कमा रहा खा रहा है, अगर जिसकी आप बता रहे हो हरिद्वार गया होगा नॉर्मल से नॉर्मल बोला 15 से 20 हज़ार रुपये लेके गया होगा, अगर उनकी सरकार आ जाए तो 20 हज़ार क्या, 10 हज़ार भी नहीं कमाने, भारी पड़ क्या कर सकते। मैं एमरोन बैटरी का वो हूँ, ऑफिस में काम करता हूँ, ड्राइवर हूँ। तो ऑफिस का काम छोड़ के गए थे आप? हाँ। तो छुट्टी लेके गए? 10 दिन की 2 तारीख से ज्वाइनिंग। दिन में कितना नुकसान हुआ आपका? कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं,
पैसा बहुत है, पैसा बहुत है बाबा की नगरी में, पैसा बहुत है। हाथ का मैल है, जितना खींचोगे उतना पैसा निकलेगा। 10 दिन की छुट्टी कर ली, यही सोच लिया, घर में आराम से मौज ले रहे थे। जो लोग कह रहे हैं कि इन इस उम्र में कॉपी किताब होनी चाहिए थी, कंप्यूटर, पढ़ लिख के भी कुछ नहीं मिलना। नॉर्मल से नॉर्मल इंसान 12 से 25 हजार रुपए कमा रहा है गाड़ी सीख के, पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं। आज भी तुम देखोगे ना नोएडा में जाके, तो इतनी बड़ी फाइल लेके घूमते फिर पाएंगे, बस वही कंपनियों के बाहर इंटरव्यू देते हुए। उनको भी मिल रहे हैं और अनपढ़ को भी इतने ही मिल रहे हैं, बताओ किसमें फायदा है। देखिए आप चाहते हो कि राहुल, हाँ कुछ कह रहे थे, प्रधानमंत्री योगी होने चाहिए, कौन होना चाहिए अगला? नहीं नहीं, अगला तो इलेक्शन बहुत दूर है, ऐसा मेरा कोई पर्सनल चॉइस। अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? योगी आना चाहिए, बाबा ही आना चाहिए। बाबा के राज में बहुत खुश हूँ मैं। आप जिंदा रहोगे तभी तो योगी को देख पाओगे। वो तो बाबा आएगा ही हमारा, इतना कुछ करवा दिया, थोड़ा और सही करवाएगा बाबा हमारा। हर हर महादेव। क्या चाहते हो योगी से? अब बाबा की सरकार आए दोबारा दिल्ली के अंदर, जो बदमाशी है ना हाँ, हल्की सी बात हुई लड़ाई हुई तो हल्की सी बात में कोई तमंचा निकाल ला रहा, कोई चाकू निकाल ला रहा, कोई लठ निकाल ला रहा है, वो खत्म हो जाए, बस वो खत्म हो जाए, दुनिया चेंजेस होएगी। हर किसी का लाल, हर किसी की माँ चाहती है मेरा लड़का सही सलामत रहे। बहुत सारे बोले आए हैं पीछे, मैं अपनी नहीं कहता, इनकी भी मम्मी ख्याल कर रही होगी हमारा लड़का कैसा है, हमारा भोला कैसा है, बस। और अगर यही बात, अगर बदमाशी खत्म हो जाएगी ना, तो जिंदगी में हर कोई चैन से ही सोएगा, दिल्ली हो चाहे यूपी हो, हर जगह चैन से ही सोएगा, बाबा आएगा तो। कुछ लोग योगी बाबा को कुर्सी से हटाना चाहते हैं, वो पागल है ना। क्यों हटाना चाहते हैं? बाबा अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करना किसी को अच्छा नहीं लगता, जाहिर सी बात है। बाबा आएंगे तो अच्छा लगेगा हमें भी। यूपी में देख लो कहीं भी बदमाशी नहीं है, तुम कहीं भी चले जाओ किसी के एरिया में भी, अगर पानी भी मांगोगे ना किसी के घर के घर से, एक गिलास तो पानी भी मिलेगा। दिल्ली में जाओगे तो 4 बार सोचेगा दूं या ना दूं पानी। देखिए कांवड़ यात्रा पहले भी निकलती थी, लेकिन पहले पत्थरबाजी होती थी कांवड़ियों पे, मुजफ्फरनगर में पत्थरबाजी होती थी। क्यों होती थी? किलसते थे, अब निकलसते, अब तो बाकायदा सुर, अब तो बाकायदा सुविधा दे रहा है। अगर पैरों में जाले वाले है ना तो दवाई है भाई, सब देंगे, क्योंकि बाबा की नगरी में है ये लोग। योगी बाबा अगर चाहेंगे ना, अगर हल्की सी भी एक कांवड़िए पे भी आँच लगा दी तो घर से गायब हो जाएंगे ये। लेकिन सवाल ये है कि रास्ता वही है, मुजफ्फरनगर भी वही है, लोग भी वही हैं, फिर बदला क्या? बदला ये देखो, वहां से यहाँ तक आने में कितनी फैसिलिटी मिली है, फैसिलिटी बदला आदमी कौन सा? मोमदन बदला, मोमदन जो मुजफ्फरनगर आप बात कर रहे हैं ना, बदला मोमदन जहाँ मुजफ्फरनगर तो हम बात कर रहे थे कि वहाँ पे दंगा हो गया, फसाद हो गई थी, वो बोला नहीं रहा जो बोला वहाँ था, जो मुजफ्फरनगर में दंगा छिड़ा था, उन मोमदनों जाकर पूछ लो आप क्या दुर्गति हुई थी। आज क्या कर रहे हैं वो लोग, स्वागत कर वो कर रहे हैं। पहले हम जैसे मुजफ्फरनगर अगर पद पे बैठे हैं तो कुर्सी से गायब हो जाए, पद पे बैठे हैं तो कुर्सी से गायब हो जाए, घर में बैठे हैं तो घर से गायब हो जाए, बिल्कुल। मगर आएंगे योगी, आएंगे योगी, आएंगे योगी। देखो योगी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है हमारे लिए, योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। नारा योगी है तो सहयोग है सबका, नहीं नारा तो ये देते, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है, यकीन है। राम को लाए हम उनको भी लाएंगे, और अब जो भोलो की कांवड़ चल रही है हम उनको भी लाएंगे, इन्हीं कांवड़ियों पे पहले पत्थर गिरा करते थे, आज फूल बरस रहे हैं, तो उनको बरसाना पड़ेगा, बरसाना पड़ेगा, मजबूरी है उनकी, दिक्कत है, मजबूरी है, नहीं तो बुलडोजर तैयार है। ये भी नहीं कि बुलडोजर में तेल कम हो, इतना तेल है पूरी दुनिया उजाड़ देंगे अगर अपनी सी पे आ जाए बाबा, तो हमारे टंकी फूले 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 से भी चल जाएंगे, ये इस पानी से भी चल जाएगा बुलडोजर, हाँ जी, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है हमारे में। बुलडोजर बाबा पसंद आ रहा है? बुलडोजर बाबा है पसंद, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे तो, बहुत ज्यादा। आप मुलाकात करना चाहते हो? करवाओ बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? मैं उनसे खुश हूँ बहुत, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए सब चीज करा, पानी से लेकर हर चीज तक। किसी टाइम दिल्ली में पानी नहीं आता था, इंसान टैंकर आता था तो लड़ाई होती थी, किसी का घूसा बच जाता था, और आज के टाइम घर घर में पानी आ रहा, पानी बिखरता है अब, क्यों? क्योंकि पानी मिल रहा है, बिखार रहा है इंसान। अगर वही पानी सेव करके आगे के लिए रख लेना तो बहुत फायदा रहेगा।
योगी के लिए, उस बाबा के लिए, इस भोले बाबा से क्या मांगेंगे? मैं बाबा से यही मांगता हूँ अपने भोले बाबा से कि योगी बाबा आने चाहिए हमारे दिल्ली के अंदर, बस सीएम पीएम नहीं पीएम चाहिए। हाँ सीएम नहीं चाहिए हमें, सीएम तो हमने बहुत देख ली है, अब हमें योगी को पीएम देखना जी, सीएम से पीएम देखना है। अगर पीएम हो गए तो दिल्ली में जो बदमाश बनता है ना तिहाड़ जेल में सड़ता हुआ पाएगा। केजरीवाल वहां तो केजरीवाल, अरे वो भी तो जेल में आए थे 2 जून को, उनको बाहर करा था किसी काम के लिए, फिर पैक कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनकी नियत में खोट है, दारू इतनी, एक बियर के साथ एक बियर भी पी पी के इंसान मर रहे हैं, इलाज करवा नहीं पा रहे हैं, क्या करेंगे बताओ। आने की आज हम मौजूद हैं उस मेरठ हापुड़ रोड पर जो कि गाजियाबाद से हरिद्वार के लिए पहुंचता है। यही वो रूट है जहां से हरिद्वार से कांवड़ उठाने के बाद में भक्त यूपी दिल्ली हरियाणा की तरफ गुजरते हैं। लेकिन मेरे पीछे तस्वीर देखिए, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि भोले की भक्ति में लीन है, जो कि कांवड़ हरिद्वार से लेकर के पैदल यहाँ तक गाजियाबाद तक पहुँचे हैं। और आगे कहाँ तक जाना है? दिल्ली, दिल्ली तक जाना है। आप इनका पहले देख लीजिए कितनी उम्र है, ये अभी बातचीत हम करेंगे। क्या नाम है आपका? शिवम। कितने उम्र हो गई आपकी? 10। 10। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6। छठवीं क्लास में पढ़ते हैं। और आप? 1। 9th में? 5th में। 1। 1। 5वीं क्लास में पढ़ते हैं। कितने साल के हो गए? 9। 9 साल के। आप कितने साल के हैं? 6। 6 साल के? 6 साल के आप? और आप? 11। 11 साल के। सबसे छोटे कांवड़ वाले ये हैं। कितने लीटर लेके आए? 12। 12। और वेट कितना है आपका? वजन कितना है इनका? 12-15 ही हुआ। कितने साल के हैं आप? 6 साल के हैं। और उम्र की मतलब कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd में। 3री में पढ़ते हैं। तो किसने कहा था आपको कांवड़ लाने के लिए? पापा ने। क्या बोला था पापा ने? मामा हम लोग कांवड़ नहीं ला रहे, पापा ने ला रहे थे, हम लोग अब जबरदस्ती लाए हैं। तो कैसा लगा आपको कांवड़ लाके? अच्छा लगा। कहीं दिक्कत हुई आपको पैदल चलने में? इतना लंबा 200 किलोमीटर आप पैदल चले हैं आप? इससे पहले कभी पैदल चले? इतना पहली बार लाए हैं। पहली बार कांवड़ लाए हैं। 6 साल के वंश नाम है ना आपका? वंश क्या नाम है? आशुतोष नाम है। 6 साल के आशुतोष हैं ये। आप देखिए 6 साल के आशुतोष हैं जो कि हरिद्वार से 200 किलोमीटर करीब सफर तय कर चुके हैं पैदल। इनके पैरों में देखिए, इन पे जो छाले ना पड़े इसके लिए इनके स्याही लगी हुई है, पैरों में घुंघरू लगे हुए हैं, छोटा सा एक अलग अलग जगह पट्टी लगी हुई है, भोले का महाकाल का ये पहना हुआ है, गर्दन में सीटी है। क्या मांगा भोले से आपने? माँ बाप की इच्छा मांगी है। माँ बाप की इच्छा मांगी, सलामत रहे। ये भक्ति की शक्ति देखिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप जा सकते हैं। तो कांवड़ लेके आ रहे हैं, हरिद्वार से उठाई थी। तो कितने लीटर गंगा जल लाए हैं? 5। 5 लीटर लाए हैं। और आपका वजन कितना है? 30। 30 किलो के हैं आप। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। कितने साल के हो गए? 13 साल के हो गए। तो किसने कहा था आपको कांवड़ लाने के लिए? मैं फर्स्ट टाइम मन कर गया था इसीलिए मैं आया। तो नहीं, आपने घर वालों से बोला था, घर वालों ने आपसे बोला था? मैंने घर वालों से बोला था। क्या बोला था? मेरे को हरिद्वार जाना है। तो घर वालों ने क्या बोला? बोले ठीक है चले जियो। लेकिन ये नहीं हुआ कि मतलब मैं इतनी कम उम्र में पहली वाला है आप? पहली कांवड़ है आपकी? हाँ। तो रास्ते में कहीं ऐसा मन में आया कि नहीं मैं छोड़ दूंगा, अब कांवड़ नहीं लाऊंगा? नहीं नहीं आया। आप इधर आइए, आपके मन में नहीं आया ऐसा कि मेरे बस की नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है? नहीं। तो कैसे, क्योंकि आप तो हर रोज पैदल इतना नहीं चलते होंगे ना, तो फिर इतना 200 किलोमीटर पैदल कैसे चल पाए आप? तो मतलब आधे दूर गए तो थोड़ा रुक के चलते हैं ना। हाँ। ऐसे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई? नहीं। तो कितने तारीख को आपने कांवड़ उठाई थी? 22 तारीख को उठाई थी। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि इस उम्र में कॉपी किताब कंप्यूटर होना चाहिए हाथ में, आप लोगों ने कांवड़ हाथ में ले रखी है, उन्हें क्या कहेंगे? मतलब आपको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए इस उम्र में, आप कांवड़ ला रहे हैं। पढ़ता तो हूँ, तो हम मेरे लीव दे के आए हूँ स्कूल में। लीव दे के आए हैं? पढ़ते तो हैं, लेकिन कांवड़ लाना जरूरी था क्या? पढ़ाई जरूरी है ना। घूमने का मन कर गया तो आ गए। घूमने का मन हुआ? घूमने का मन हुआ। ये शक्ति कौन देता है इतनी पैदल चलने की? भोले बाबा। भोले शक्ति मिलती है आपको? लगता है कोई शक्ति है? क्या नाम है आपका? शंकर। अरे वाह, आप भी शंकर भगवान आ गए हैं। आप छोटे शंकर? हाँ,
तो आप किसके साथ आए हैं? पापा। पापा के साथ। पापा जी साथ हैं। तो आप भी पैदल चल के आ रहे हैं उधर से? तो कितने किलोमीटर पैदल चल लिए अब तक पता है आपको? कितना किलोमीटर? एक किलोमीटर। 200 किलोमीटर पैदल चल लिए आप? हमने 24 तारीख को जल उठाया था। 24 तारीख को उठाया था? क्यों उठाया था जल आपने? क्योंकि जल चढ़ाने के लिए उठाया था मैं। कहाँ जल चढ़ाएंगे आप? मंदिर पे। कौन से वाले पे? वो शिव मंदिर पे। कहाँ पर है ये शिव मंदिर? वो दिल्ली। दिल्ली में है? तो घर बात की, मम्मी से बात की आपने? हाँ। तो मम्मी ने क्या पूछा तुमसे? कह रही तोतापुर में आ जाओ, तोतापुर में मंदिर। सीधे सीधे जाइए। हाँ। तोतापुर में दिल्ली में आ जाओ। तो दिक्कत तो नहीं हुई तुम्हें चलने में? जी, क्या नाम है? अनिल। जो लोग ये कह रहे हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ाई लिखाई का, इनकी उम्र है, इनको पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, तो कांवड़ थमाने की क्या जरूरत है, क्या कहेंगे उनको? नहीं, ये खाली श्रद्धा के ऊपर है और कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी जरूरी है, ऊपर वाले का नाम भी लेना जरूरी है और पढ़ाई लिखाई इनकी हो रही है। धर्म जरूरी है, पढ़ाई से लिखाई भी जरूरी है, ये सब कुछ साथ में रहेगा तभी आगे थोड़ा आगे तभी आगे बढ़ा जाएगा। दोनों चीज साथ में होनी चाहिए।